तारानगर थाना परिसर में आज CLG की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में होली के त्योहार पर कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने, यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने, रात्रिकालीन गश्त तेज करने, CCTV कैमरे लगवाने, तारानगर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के आई कार्ड लेकर उनका रिकॉर्ड रखने, काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। हाल ही में कुछ दिन पहले एक मेडिकल संचालक से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपियों को घटना के मात्र 4 घंटे में पुलिस ने गिरफ्त में लेने पर उपस्थित जनों ने तालियों की गड़गड़ाहट से हौसला बढ़ाते हुए चूरू SP डी आनंद, तारानगर CO प्रकाश गोदारा, तारानगर SHO व उनकी टीम को बधाई दी और कहा कि पुलिस के कारण ही आज हम निर्भय होकर चैन की नींद सोते हैं। बैठक में SDM मोनिका जाखर, DSP ओम प्रकाश गोदारा, थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई आदि मौजूद रहे। पुलिस थाना तारानगर के कैंपस में डिप्टी साहब और SHO साहब के साथ CLG की शांति समिति की बैठक ली गई है, जिसमें शहर के सभी संप्रदायों के व्यक्ति, सभी संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। इसमें शहर में होली के त्यौहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की सभी से अपील की गई है एवं कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं कि कुछ एक क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने की दिशा में कुछ सुधार की आवश्यकता है, उस दिशा में हमारी टीम प्रयास करेगी। इसके अलावा कैमरों से संबंधित भी निर्णय लिए गए हैं और कैफे के अंदर जो केबिन व्यवस्था होती है उसको हटाने संबंधी निर्णय लिए गए हैं और कोचिंग संचालक एवं लाइब्रेरी संचालकों के साथ भी अभी थोड़ी देर में बैठक की जाएगी, उसमें कुछ जो बातें उभर के सामने आएंगी उसमें हम विचार विमर्श करेंगे। आज पुलिस थाना प्रांगण में CLG और शांति समिति की मीटिंग होली के त्यौहार को मद्देनजर रखी गई और समाज के गणमान्य सपूर्द नागरिक प्लस शांति समिति और CLG के सदस्यों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान जो बातें हमारे सामने उभर के आई उन बातों के बारे में भी चर्चा हुई, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित है शहर के लोग, उसको सुधारने के लिए बस ऑपरेटरों से बात करने के लिए ये चीज़ें हम अगले 7 दिन में इस व्यवस्था को सुधारेंगे। इसके अलावा जो कैफे बने हुए हैं, ये एजुकेशन का हब बन गया तारानगर, जहाँ पे जो कैफे बने हुए हैं उन कैफों में जो केबिन बने हैं वो हटाने का हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है उनको, और शहर में नगर पालिका द्वारा 5 लाख के कैमरे लगने की घोषणा हुई थी, उन बिंदुओं का चिन्हित किया गया है और वो कैमरे जो है शीघ्र ही लगाया जाएगा। आज से ही उस पर काम शुरू कर दिया है, अगले 15 दिन में इस पर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगी। लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर के सभी संचालकों को भी बुलाया है, जिसमें शहर के लोगों द्वारा ये मांग रखी गई कि इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो अगले 1 महीने में सभी से लिस्ट लेकर के और जो घरों में रहते हैं, जो लाइब्रेरी में है, जो हॉस्टलों में रहते हैं, उनका वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा शहर में जो गाड़ियाँ काले शीशे लगा करके घूमती है उन काले शीशों को हम हटवाएंगे, ऐसा ट्रैफिक इंचार्ज को भी अभी निर्देश दे दिया है और शीघ्र ही उनको हटा दिया जाएगा। दुकानदारों के जो व्यापार मंडल द्वारा कैमरे लगे गए थे उनको भी चालू करवाया जाएगा और उनको थाने के कनेक्ट करके और उनसे जोड़ा जाएगा। और प्राइवेट बसें जो अव्यवस्थित तरीके से खड़ी रहती है उन बसों को जो असमय बिना टाइम के खड़ी रहती है उनको हम दूसरी जगह शिफ्ट करके और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करेंगे। वहीं होली त्यौहार को लेकर रतनगढ़ पुलिस चौकी में भी आज CLG सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में DYSP हिमांशु शर्मा व CI संजय पुनिया ने होली त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का आह्वान किया। इस दौरान अधिकारियों ने होली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी ली। बैठक में उपस्थित लोगों ने शहर में विचरण कर रहे बेसहारा पशुओं की हरकतों से होने वाली परेशानी से अवगत करवाया, जिस पर कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने इन पशुओं को नंदीशाला में भेजने का आश्वासन दिया। वहीं पार्षद प्रतिनिधि अनिता महर्षि ने पूजा मार्केट में बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले वाहनों की समस्या से पुलिस अधिकारियों को अवगत करवाया, जिस पर सप्ताह में एक बार अभियान चलाकर चालान काटने का आश्वासन दिया गया। तो हिंदुओं का त्यौहार होली है नज़दीक और मुसलमानों का है रबे बारात, तो दोनों त्यौहारों को लेकर सामंजस्य से बनाए रखने के लिए CLT शांति समिति और अन्य गणमान्य लोगों की मीटिंग आयोजित की गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने सुझाव और जो पूर्व में परेशानी आई है उनसे अवगत करवाएं ताकि प्रभावी कानून व्यवस्था
की जा सके और कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। सीएलजी के माध्यम से हमने सभी से निवेदन किया है कि जो बाइक वगैरह आ गया, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, फुटपाथ के सामने व्यापारी दुकान लगाते हैं और फुटपाथ सारी कवर कर लेते हैं, सड़क कवर कर लेते हैं, गाड़ियों की पार्किंग की जगह नहीं छोड़ते। इसके लिए हमने निवेदन किया कि एक हफ्ते के अंदर आप लोग इसका उचित समाधान ढूंढिए या हमें बताइए। छोटे मोटे पूजा मार्केट की बात करें, वैसे छोटे मोटे मार्केट का तंगड़े बंद, हम नगर पालिका वाले जाके वहाँ रोकने की कोशिश करते हैं। फिर कम से कम आप 100 दुकान काट रहे हो, 2.5 फुट x 2.5 फुट एक ग्रीनर के लिए तो आप जगह छोड़ दो। 500 आदमी यहाँ पे आएंगे, 50 आपने दुकानें काटी, 50 दुकानों में आपके कैसा बढ़कर जितनी जगह छोड़ नहीं छोड़ते, तो ऐसी जगह दुकानें मत खरीदिए और ऐसी जगह काटी दो। और हम लोग, मेरा निवेदन है कि आप लोग हमें जगह बताइए कि नगर पालिका कहाँ कहाँ पर ये निर्माण कर सकते। सुबह वो चिल्लम वाले दिन में बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं, रात को 7:30 बजे देखेंगे 11 बजे तक वहाँ चिल्लम दारू बैठे बैठे गलत काम भी हो रहा है, मैं लिख के दे गया था तो आप 7:30 बजे एक बार घड़ी दे देंगे, 2-3 दिन चक्कर मारे जो बच्चे निकलते हैं ना, चाहे मेरा हो या बस स्टैंड पे फोन करते नहीं सर, एक बार आप ना मार्केट में जाकर देखो सर, जी अभी रस्ते है तो रस्ते भी के बाद में पेड़े में ऊपर भी सामान गिराएगा और अगर सर अब लेडीज इनने चला, 2 लेडीज मेरे वर की जाते सर फट पड़ जाए घुमाने फिर हाँ करने से सर लेडीज मजा गई, तो आपने सोच लो सारी की माँ अपनी की माँ बहन हो सके। बिल्कुल देखो सही है, आपकी बहन बहू बेटियाँ वही आती है और कमर्शियल तरीके से ही सोच लो यार, कभी प्यारी कभी प्यारी कभी प्यारी कभी प्यारी, उन्होंने मार्केट बनाए कांटे पार्किंग की बात तो खत्म हो गई, तो बनना नहीं है भाई, वो तो इसका ही सोल्यूशन करना पड़ेगा, पार्किंग तो वहां।